Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. मैं भी चौकीदार, भाजपा ने इसे एक जन आंदोलन बना दिया है। भाजपा का मानना है कि ये बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन चुका है पिछले 2-3 दिनों का। 1 करोड़ लोगों की लाइक आई है, 20 लाख लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। भाजपा का मानना है कि मैं भी चौकीदार एक जन आंदोलन के रूप में उभरेगा। ये काउंटर है कांग्रेस के चौकीदार चोर है के सोशल मीडिया के मूवमेंट का। प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च को 500 जगह पर इन चौकीदारों से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वीडियो ब्रिज के थ्रू। आपको बता दें, चौकीदार का बीजेपी से मतलब ये नहीं है कि चौकीदार ही होंगे। चौकीदारों का मतलब है हर वो आम व्यक्ति जो कि करप्शन से लड़ना चाहता है, जो कि अपने आप को करप्शन के अगेंस्ट खड़ा महसूस करता है और भाजपा की मैं भी चौकीदार मुहिम से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सबको साथ लेने के लिए 31 मार्च को सीधा प्राइम मिनिस्टर इस जन आंदोलन को एक पुश देंगे। आपको बता दें कि ना केवल भाजपा के MP, सांसद, मंत्रियों, पूरी कैबिनेट ने अपने नाम के आगे सोशल मीडिया पे चौकीदार लगा दिया है। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू पुट चौकीदार प्रीफिक्स चौकीदार इन फ्रंट ऑफ हिज नेम, और यही कारण है कि सब ने प्रधानमंत्री को फॉलो करते हुए अपने आप को चौकीदार बताया है। क्योंकि कांग्रेस का हमला हुआ था कि चौकीदार चोर है, उस हमले का ये बड़ा काउंटर है और इसी को काउंटर करने के लिए भाजपा ने ये मुहिम छेड़ी है। ये हुई बात चौकीदार की। अब आते हैं भाजपा में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग की। इस समय भाजपा में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये वो मीटिंग है जिसमें कैंडिडेट के नाम फाइनल होंगे आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए। अब तक भाजपा सभी दलों से पीछे है, जहां सभी दल एक एक दो दो लिस्ट निकाल चुके हैं, कुछ तो 4 लिस्ट भी निकाल चुके हैं। भाजपा की अभी पहली लिस्ट भी सामने नहीं आई है। रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें रहीं बीच में, उनके मुख्यमंत्री गोवा के मनोहर पारिकर जी का निधन भी हो गया है, इस वजह से उन्होंने पहली लिस्ट डिले करी है। अब लगता है आज आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, उसकी मीटिंग कोर ग्रुप कमेटी की मीटिंग है, उस पर विचार होगा कि किस सीट से कौन लड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश, लोकसभा के हिसाब से 80 सीट लोकसभा की यहां से आती हैं। देखना यह होगा, अभी इंतजार है सबको कि फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी या कल भी आ सकती है, परंतु सभी कैंडिडेट्स ने अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड रखी है, सब पहली लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि सिटिंग कैंडिडेट्स को ज़्यादा टिकट्स मिलेंगी या फ्रेश फेसेस को बीजेपी फील्ड करेगी टू बीट एंटी इनकम्बेंसी। द प्रिंट के लिए प्रज्ञा कौशिक।